जबकि ईगो एक बहुत ही नेगेटिव चीज है और वो एज अ डॉक्टर आपको हमेशा साइड में रखनी चाहिए। ईगो आपको एरोगेंट बनाती है और जब आप किसी पेशेंट से मिलते हैं तो आप यही चाहते हैं कि आप बहुत विनम्र रहें, आप बहुत ही पोलाइट रहें, क्योंकि वो बेचारा परेशान होकर के आपके पास आया है तो वो आपसे यही एक्सपेक्टेशन करता है कि आप उसकी परेशानी को समझें, आप उसके दुख को समझें। तो सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हम एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एथिक्स जो है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही हम डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप नहीं बोलते हैं।